नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बैंगन के पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो हमने बेसन को छान करके एक कटोरी रख लिया है। 4 हमने बैंगन लिए हैं, आप अपने हिसाब से बैंगन ले सकते हैं, आप बड़े वाले बैंगन भी ले सकते हैं। और 3 मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम बैंगन को कट करेंगे, तो इसका जो ये है इसका पहले निकाल देंगे और इधर का पार्ट भी निकाल देंगे। तो हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये पतला पतला काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं सारे बैंगनों को। और अब हम मिर्ची को बीच से कट कर लेंगे, इस तरीके से बीच से चीरा लगा लेंगे ताकि फूटे नहीं। ये देखिए मिर्ची भी हमारी बीच से कट चुकी है और बैंगन भी कट गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें डाल देंगे बेसन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हमने 2 बड़े चम्मच लिया है, लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है। हमको इतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। ये देखिए, और जो हमारे बैंगन रखे हैं उनको हम डाल देंगे पानी में, नहीं तो पूरे काले पड़ जाएंगे। और गैस को जला देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। अब हम थोड़ा सा बेसन डाल करके चेक करेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। बैंगन हमने इसमें रख दिए हैं और हम एक एक बैंगन को इस तरीके से डिप करेंगे और ऐसे डाल देंगे। इस तरीके से डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब इनको भी पलट लेंगे और इन दोनों को भी हम पलट लेंगे। अब मध्यम गैस पे इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारे पकौड़े पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हम इस तरीके से निकालेंगे और किनारे में लगा लेंगे ताकि जिसका जितना भी इसका तेल है वो पूरा कढ़ाई में ही चला जाए। ये हमारे बहुत ही टेस्टी बैंगन के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।